अपने आजकल एक टेक्निक चलती है, कई बॉस लोग अपने नीचे काम करने वालों पे इतने निर्भर हो जाते हैं कि नीचे काम करने वाले फिर बॉस को उंगली पे नचाते हैं, इससे सिस्टम बिगड़ता है। घरों में भी ये खेल चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि समझदार पत्नियां अपने पति को इतना निर्भर करती है कि फिर उसका कुछ इनके बिना काम ही नहीं चलता, कई बावलों से तो अटैची भी नहीं जमती खुद की। मैंने कई लोग देखे हैं कि खुद की अटैची वो भी घरवाली जमाएगी, थाली घरवाली लगाएगी, कोई काम नहीं, इतना निर्भर बना ले, वो भी एक राज करने का ढंग है। लेकिन इससे नुकसान होता है, कई बच्चे सीख ही नहीं पाते, माँ बाप उनको इतना निर्भर बना लेते हैं। आज आप बुरा मत मानिएगा पर भारत में कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रातः काल जब सुबह उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद घड़ी नहीं करते अभी भी, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि या तो माँ बाप घड़ी करेंगे या काम करने वाला चपरासी। हमने इतना निर्भर बना दिया बच्चों को। कई घरों में आज भी बच्चे खुद जाके पानी नहीं पीते, या तो माँ पिलाएगी या काम करने वाला कर्मचारी पिलाएगा। आप उनको इतना निर्भर बना रहे हैं कि एक दिन बड़े होने के बाद वो सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं, और ये नुकसान हो जाएगा, इससे अहंकार जिद हट आती है। तो ये आपको सीखना है। हनुमान जी महाराज इस मामले में हमको सिखा रहे हैं। मैं ये प्रसंग इसीलिए उठा रहा हूं सज्जनों देवियों, कि आज हनुमान जी से हमको ये सीखना है कि किसी की मदद करें, किसी को योग्य बनाएं। आज पूरी तरह सुग्रीव उन पे आधारित थे, पर हनुमान जी ने दुरुपयोग नहीं किया। आज हो सकता है बच्चे हम पे आधारित हों, पर हमको भी उनको, जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंस, उनको स्वयं को सिखाइए। हम कुछ काम नहीं करने देते आजकल अपने बच्चों को घर में, कुछ भी नहीं करते। मैं एक घर में ठहरा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो स्कूल जाने वाले बच्चों का बूट उस घर का एक चपरासी पॉलिश कर रहा था, और वो बच्चा वेट कर रहा था कि वो पॉलिश पूरी हो तब मैं पहन के स्कूल जाऊं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये ना करिए अगर आपके घर में। उस बच्चे को सिखाइए कि आपका बूट आपको पॉलिश करना है, आप जब प्रातः काल उठे आपका बिस्तर आपको घड़ी करना है। बात छोटी सी है पर जीवन का यह अनुशासन उनके समूचे सोच पे अंतर डालेगा, और आप नहीं तो पछताएंगे। वो इतने राजा वृत्ति के हो जाएंगे कि एक दिन बड़े होने पे आप संतान और माता पिता का अंतर ही खत्म होता देखेंगे, और ये अंतर घरों में इसीलिए खत्म हो रहा है। इसलिए हनुमान हमारे जीवन में है, इसका मतलब सीखिए कि हनुमान ने सुग्रीव से जो रिश्ते रखे, कि सुग्रीव थे तो आधारित पर पूरी तरह से हनुमान जागरूक थे कि न ये मेरा दुरुपयोग कर ले न मैं इसका दुरुपयोग करूं। आइए आगे चलते हैं। तो व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब बहुत सारे काम खुद करिए। आज भारत में ये दोष है, हमारे यहां ये कर्मचारी मिल जाते ना तो हम लोग राजा हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये भारत में जो पुरुष लोग अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खुद का गिलास भी खुद नहीं भरते, ये सारे पुरुष जब विदेश जाते हैं तो हाथ से बर्तन मांजते हैं। आपको मालूम नहीं, विदेश में काम करने वाले लोग नहीं मिलते, वहां खुद भांडे मांज रहे, अपना घरवाली रोटी बना रही और साफ भांडे मांज रहे, क्योंकि वो कितनी बनाएगी, ये तो रंगदारी यहीं चल रही है। और ये देखते देखते हमने बच्चों में उतार दी और ये नुकसान हो गया। इसलिए आप इस प्रयोग को हनुमान जी के माध्यम से करते रहिए कि जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम, खासतौर पे पर्सनल, मनुष्य को खुद करना आना चाहिए।